8 तारीख को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद के समर्थन में विपक्ष भी खड़ा है। विपक्ष की इच्छा पर ही किसान केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे तमाम राजनीतिक दल हैं जो किसान आंदोलन के समर्थन में खुलकर खड़े हैं, तो कुछ बैकडोर से आंदोलन को सुलगाने की कोशिश में जुटे हैं। किसानों के भारत बंद को समर्थन देने के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार की वायरल चिट्ठी पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। शरद पवार किसानों को समर्थन देकर बुरी तरह फंस गए हैं। बता दें कि यूपीए सरकार में बतौर कृषि मंत्री शरद पवार ने एपीएमसी एक्ट में बदलाव की मांग की थी ताकि निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके। वहीं अब मोदी सरकार कर रही है तो पवार इसका विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस एनसीपी समेत विपक्षी दलों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये लोग अपना वजूद बचाने के लिए किसी भी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब शरद पवार कृषि मंत्री थे तो उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी क्षेत्रों की भागीदारी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि शरद पवार जब देश के कृषि और उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मंडी एक्ट में बदलाव जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर का आना जरूरी है, किसानों को कहीं भी अपनी फसल बेचने का मौका मिलना चाहिए। वहीं पवार की पोल खुलने के बाद एनसीपी सफाई देती फिर रही है। एनसीपी का कहना है कि जिसमें संशोधन के लिए कहा था वो 2003 में वाजपेयी सरकार का ही लाया गया कानून था। एनसीपी के मुताबिक तब उसे लागू करने से राज्य सरकारें कतरा रही थी, इसीलिए पवार कृषि मंत्री बने तो इन्होंने कृषि बोर्डों से कानून पर आम सहमति बनाने के लिए सुझाव मांगे थे, फिर उसे राज्य सरकारों के समक्ष रखा था। हालांकि भले ही एनसीपी और दूसरे दल इस कानून का आज विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक समय कांग्रेस भी इस कानून के समर्थन में थी। ऐसे में पवार की चिट्ठी सामने आने के बाद एनसीपी के साथ साथ कांग्रेस भी बैकफुट पर है, क्योंकि पवार यूपीए की सरकार में ही कृषि मंत्री थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।